अब यार मैंने सोलो के अंदर रैंक पुशिंग करके अपने रैंक को तो ग्रैंड मास्टर इजीली अचीव कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि हम लोग जो है ना किसी वेपन के अंदर भी पुशिंग करके उसको इंडिया तक लेके जाने वाले हैं, जो कि मैं इजीली अचीव भी कर लेता हूँ। एपिसोड नंबर 1 से लेके 7 तक आप लोगों ने चेकआउट किया होगा कि मैंने M10 की पुशिंग करके उसको अभी तक 22 नंबर के अंदर इंडिया के अंदर लेके आ चुका था। सो फिलहाल जो है ना हम अपनी M10 पुशिंग की जर्नी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड मैं इंडिया के अंदर सोलो विंस के मामले में 12 नंबर के अंदर हूं और अपनी एलिमिनेशन के मामले में 44 नंबर के अंदर, और M10 के मामले के अंदर मैं जो है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने नंबर 1 के अंदर हूं और अपनी स्टेट दिल्ली के अंदर जो है ना मैं अपने 4th नंबर के अंदर चल रहा हूं, और गाइस फाइनली मैं इंडिया के अंदर 23 नंबर के अंदर फिलहाल रन आउट कर रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और आज मैं ट्राई करूंगा यार कैसे ना कैसे करके जो M10 के अंदर टॉप 20 करके जाने का एटलीस्ट इंडिया के मामले में। सो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली एक छोटे से ऐड और इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सबके 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाने के बाद ना यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जो ना अपना फेक इंस्टाग्राम के आईडी को लॉगिन कर लेना, फेक इंस्टाग्राम के आईडी को ही लॉगिन करना एंड यहाँ पे नीचे की साइड में जाते ही आपको ना सेंड फॉलोअर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद ना आपको यहाँ पे ना अपना ओरिजिनल अकाउंट डालना है, जैसे मैंने ओशान गेमिंग डाला है। ओरिजिनल अकाउंट डालने के बाद जो है यहाँ पे ना आपको अपना अमाउंट टाइप करना है। मैंने यहाँ पे 50 किया था। आपको जो ना मिनिमम 75 फॉलोअर्स यहाँ पे डालने हैं, उससे ज्यादा आप लोग डाल सकते हो एंड यहाँ पे 120 सेकंड के अंदर आपके फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइव प्रूफ आप लोग देख सकते हो, फटाफट से जाओ अपने फॉलोअर्स गिनने स्टार्ट कर दो। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है M10 टॉप 1 पुशिंग के एपिसोड नंबर 8 के फर्स्ट गेम प्ले के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। सो इस वाले मैच के अंदर ना यहाँ पे मेरे पास जो है M14 और बेजोन होता है, M10 मेरे को कहीं मिलता नहीं है और ये एनिमी पता नहीं कहाँ भाग रहा था और शायद इसका इंटरनेट स्लो चल रहा है या फिर इसका मोबाइल हैंग कर रहा है, इस वजह से ये बेचारा वॉल नहीं डाल पाता। एंड यहाँ पे वहाँ से निकलने के बाद मैं आर्सेनल को चार्ज करने आता हूँ। यहाँ पे सामने एक और एनिमी दिखता है जिसको मैं इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं किसी और से मतलब लड़ रहा होता है तो उसका थर्ड पार्टी कर देता हूँ मैं। सो वहाँ आर्सेनल से लूट करने के बाद मुझे 3 लेवल का स्कार मिल जाता है और बिजोन तो मेरे पास है ही, M10 मुझे कहीं नहीं मिलता। एक एनिमी जस्ट इस वाले घर के अंदर आया और जोन जो है थर्ड जोन बन चुका है, काफ़ी डैमेज दिया मैंने। ट्रोगोन है यार, इसके पास थोड़ा देख के रहना पड़ेगा। वॉल डाल दिया इसने, एक आधी गोली का जस्ट, इसको वॉल तोड़ेंगे फटाफट से। ऊपर चला गया शायद से मेरे अकॉर्डिंग। सो इजिली मैंने इसको यहाँ पे फिनिश कर दिया। ट्रोगन थी इसके पास लेकिन कुछ कर पाया नहीं है। एंड यहाँ पे जो सामने की साइड में एक एनिमी है जो कि अपने आप को वॉल डाल के हील कर रहा होता है, लेकिन इस बंदे को मैं इजिली फिनिश कर देता हूँ। भाई नाम पढ़ो उसका, एंजल भाई, टाइप तो नाम है बंदे का। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक और एनिमी, इसको हेडशॉट दिया 57 का एंड एक लॉन्चर फेंकते हैं। RG50 फेंका मैंने लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ऑलरेडी मेरी नीचे लैंडलाइन फट गई यार, लेकिन नीचे तो कोई था ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर ही चलेंगे वापस से। एंड ऊपर आने के बाद ये बंदा बाहर हल्का से दिखाता है फिर किसको मैं इजीली हेडशॉट मार देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस नीचे जो है ना नीचे से एक बंदा ऊपर चढ़ जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि बंदा ऊपर कब चढ़ता है। ऑलराइट इस बंदे का भी शायद से नेट इशू या फिर फोन इशू है। एंड ये भाई अपना वॉली डालता रह जाता है, इसको मैं इजीली यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे टोटल मेरे इस गेम में 10 किल हो जाते हैं और इतनी देर के अंदर यहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है, इसके फुटस्टेप आ गए मेरे को और ये बंदा बहुत कंफ्यूज है। ऑलराइट एक गोली का छोड़ा इसको मैंने यार, M10 मुझे पूरी गेम के अंदर नहीं मिला। लेकिन गाइस यहाँ पे ना नीचे एक और एनिमी आ जाता है। भाई इस बंदे ने मेरी लैंडलाइन कब तोड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस बंदे को इजीली मार दिया। लेजेंड पता नहीं क्या नाम था इस बंदे का। एंड यहाँ पे 11 किल हो जाते हैं और वो बंदा ना नीचे कूद जाता है जिसको मैंने एक गोली का छोड़ा था। ऑलराइट सच्ची में इस बारी भी एक गोली गई थी, इसको इजीली फिनिश कर दिया। पीछे से एक एनिमी को डैमेज दे रहा था, इसको हेडशॉट मारा। ऑलराइट यहाँ पे इसके ऊपर फेंकेंगे, भाई ये वैसे ही मर जाता है और यहाँ पे मेरा ये वाला गेम प्ले बहुत इजीली बोया निकल जाता है 13 किल के साथ। और यहाँ पे शायद इस वाली गेम में मेरा डेली मिशन था, हाँ डेली मिशन था 20 का और M10 तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं है यार। अब यहाँ पे ना जैसे अभी मैं लैंड ही गया हूँ केप टाउन के अंदर एंड यहाँ पे मेरे पास UMP होता है। ऑलरेडी यहाँ पे एक एनिमी दिखा, इसको मैंने इजीली हेडशॉट देके यहाँ पे फिनिश कर दिया। मुझे सीरियसली कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस वाली गेम में कोई सब्सक्राइबर मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो बंदा है ना गाइस वो सब्सक्राइबर है एंड जैसे ही उठक बैठक करना स्टार्ट करता है मैं समझ जाता हूँ। एंड इस बंदे को इमोट वगैरह दिखा के हम लोग इस भाई के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे आर्सेनल के अंदर ना मैंने आर्सेनल अभी खोल के से लूटा था और यहाँ पे एक एनिमी है। ऑलरेडी डैमेज दिया मैंने उसको M10 से और यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर भी जैसे इसके ऊपर रश मार चुका है। एक बंदा और आ गया यहाँ पे गाड़ी से यार, जी गाड़ी को काफ़ी डैमेज दिया मैंने। बंदे की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है लेकिन बंदा यहाँ से भाग जाएगा शायद से। ऑलराइट सब्सक्राइबर ने उसके ऊपर रश मार दिया और भाई यहाँ पे हमारा सब्सक्राइबर मर चुका है गाइस, क्या ही बोले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने उस बंदे को मार दिया, उसका बदला ले लिया अपने भाई का। एंड जो गाड़ी वाला बंदा था ना वो ऊपर की साइड में चला जाता है और वो उसकी गाड़ी को मैंने डैमेज दिया और ईजिली मैंने उसकी गाड़ी फाड़ दी, बाहर निकला ये। और इजीली मैंने इस रोमियो FF को फिनिश भी कर दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे टोटल मेरे 3 किल कंप्लीट हो जाते हैं और वहाँ से निकल के ना गाइस मैं इस वाली एरिया के अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे 3 लेवल का M10 और M14 है। इस एनिमी को काफ़ी डैमेज देखे, देसी छोरा भाई। यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया, 4 किल हो जाते हैं यहाँ पे मेरे। और अब जो है ना गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 5 किल है और एक एनिमी जो सामने की साइड में, इस बंदे को मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देकर फिनिश कर देता हूँ। द लेजेंड और पीछे से पता नहीं कहाँ से कौन सी एनिमी आ जाती है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। पीछे मैं लैंडमाइन बिछा के बैठता हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मार देती है मुझे MP40 से। साले कुत्तों की जिंदगी,
हम जब MP40 चलाते तब चलती नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे मार दिया इसने। यहाँ पे M10 के अंदर मेरा 80 का और गेम के अंदर 16 का प्लस होता है। अब यहाँ पे क्या सीन है ना गाइस, इस वाली गेम के अंदर मेरे 3 किल होते हैं एंड मेरा जो ये बिल्कुल एवरेज सा लॉबी है। सामने एक एनिमी है, इसको मैंने काफी डैमेज देके इजीली यहाँ पे फिनिश भी कर दिया XM8 से एंड बिल्कुल एवरेज सा लॉबी था। और यहाँ पे मैं गाड़ी उठा के जो है ना उस एरिया से निकल के यहाँ पे आ जाता हूँ। एक और एनिमी है, इस बंदे को भी मैंने इजीली नॉक कर दिया। यहाँ पे मेरे पास MP40 है, M10 मुझे कहीं मिला नहीं। ऑल राइट, यहाँ पे इस बंदे के पास 3 लेवल का स्कार था यार, मतलब बंदा स्कार लेके घूम रहा था और 3 लेवल का वो भी था। और वहाँ से निकल के ना मैं इजीली एक और एनिमी को फिनिश कर देता हूँ हेडशॉट मार के। यहाँ पे इस बंदे से काफ़ी तगड़ा लूट मेरे को मिल जाता है। एंड वहाँ से गाइस मैं आगे की साइड में आता हूँ आर्सेनल वाले एरिया के अंदर, एक और एनिमी है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया इस बंदे को मैंने MP40 से और इजीली यहाँ पे फिनिश भी कर दिया, मतलब नॉक कर दिया एंड फिनिश भी कर दिया। यहाँ पे 7 किल टोटल मेरे कंप्लीट हो चुके, 4 लेवल का वेस्ट मिल गया इस बंदे से। अब वहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो मैं कितने सारे आर्सेनल खोले मैंने, लेकिन कहीं भी मेरे को M10 नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे मैं जस्ट गाड़ी चला रहा था, एक एनिमी दिखता है, इजीली इसको भी मैंने फिनिश आउट कर दिया। 8 किल हो गए मेरे और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बिलो एवरेज लॉबी है यार। यहाँ पे टोटल मेरे आप लोग देख सकते हो 3 बंदे लाइव हैं आखिरी के, जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। एक और बंदे को मैंने यहाँ पे मारा और जस्ट आखिरी के 2 एनिमी हैं, जिनमें से एक बंदा जैसे मेरे सामने की साइड में लॉन्च पैड पकड़ के पता नहीं कहाँ भाग रहा होता है फरहान। इस बंदे को मार के मेरे टोटल 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं एंड आखिरी का बंदा पता नहीं कहाँ पे छुपा पड़ा है। सो अब जस्ट मैंने यहाँ पे आगे की साइड में जा ही रहा हूँ कि सडनली ये बंदा मेरे को डैमेज देता है एंड जस्ट मेरे को काफ़ी डैमेज देता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे हेडशॉट मार के इजिली फिनिश कर देता हूँ। और ये वाला गेम प्ले मेरा इजिली बोया निकल जाता है। यहाँ पे मेरा M10 तो मेरे को मिलता ही नहीं, लेकिन गेम के अंदर 28 का प्लस निकलता है। जस्ट अभी मैं केप टाउन के अंदर लैंड किया हूँ एंड यहाँ पे मेरे को आप लोग देखो कि मैं जस्ट आगे की साइड में जा ही रहता हूँ कि ये बंदा ना पता नहीं कहाँ से कैसे डैमेज देके मेरे को नॉक कर देता है, मतलब फिनिश कर देता है। मतलब जस्ट अभी लैंड ही किया होता हूँ मैं यार, ये बंदा मार देता है और मैं वहाँ पे ना उसी एरिया के अंदर लैंड करता हूँ। एंड अभी आप लोग देखो मेरे पास मिनी यूज ही है और ये बंदे को कुछ नहीं पता कि मैं इसके पास में ही हूँ और इजिली काफ़ी डैमेज दिया इस बंदे को मैंने। बिजॉन है इसके पास यार, ये बंदा कंफ्यूज हो चुका है कि डैमेज आया कहाँ से और यहाँ पे ये जो है ना इजिली मेरे हाथों से मर जाता है। मतलब सीरियसली इसको कुछ भी नहीं पता था कि कौन कहाँ से उसको डैमेज दे रहा है। बहन डर गई, बहन डर गई। यहाँ पे इसको एटलीस्ट मैंने मार दिया और इस वाली गेम के अंदर मेरे को कैसे ना कैसे करके 3 लेवल का स्कार और M10 मिल जाता है। एक एनिमी जिस सामने की साइड में, और यार M10 से किल तो निकालने पड़ेंगे अगर प्लस करना है तो। और इजीली मैंने इस बंदे को भी फिनिश कर दिया यहाँ पे। ऑलराइट, सो उस वाली एरिया से निकल के जो है ना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जस्ट कैंपिंग कर रहा होता हूँ कि एक और एनिमी मेरे ऊपर रश मार देता है। यार M10 से बहुत ज़्यादा डैमेज देकर उसको फिनिश किया। पीछे एक और एनिमी है भाई, ये बंदा काफ़ी डैमेज दे रहा है एंड यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही आराम से जो है हेडशॉट मार दिया, बंदे का नाम अपने पड़ा। और यहाँ पे जो है ना गाइस मैं गाड़ी लेके जो है ना यहाँ से निकल रहा होता हूँ। अब यहाँ पे निकल ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी ना मुझे बहुत डैमेज देने का ट्राई कर रहा है और इस बंदे का पता नहीं तुक्के से या कैसे हेडशॉट पड़ जाता है। यहाँ पे मैं वही चीज़ चेकआउट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने दूसरे सामने एनिमी को भी हेडशॉट मारा और टोटल इसके 11 मतलब यहाँ पे 11 किल हो गए हैं इसको मार देगा तो। लेकिन यहाँ पे ये मतलब हैकर वैकर कुछ नहीं है, मतलब जस्ट नॉर्मल सा बंदा है, तुक्के पड़ रहे हैं इसके हेडशॉट के, क्या ही तो बोले। यहाँ पे इस वाली गेम के अंदर मेरा M10 के अंदर 40 का और गेम के अंदर 11 का प्लस होता है। जस्ट अभी मैंने जो है ना यहाँ पे आर्सेनल चार्ज किया और एनिमीज आप लोग देख सकते हो भाई कितने सारे बंदे यार यहाँ पे, कितने ही सारे। जो 2 बंदे फाइट ले रहे हैं, थर्ड पार्टी करेंगे इनका। इजीली मैंने एक एनिमी को डाउन किया, पूरा फिनिश भी कर दिया और दूसरा बंदा इसके ऊपर रश मार रहा होता है, इसको भी डैमेज दिया। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी लेके इसके ऊपर घुस जाऊँ। यहाँ पे ये दोनों के दोनों बंदे दिमित्री और सोनिया वाले नूबड़े हैं यार। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने तो काफ़ी डैमेज दिया भाई, मर जा। अबे भाई क्या मार के मरेगा क्या। ऑलराइट, यहाँ पे गाइस आप लोगों ने देखा कि जस्ट मैं 20 HP का बचा था। यहाँ पे जस्ट बाइक उठा के ना मैं उस वाले एरिया से निकल जाता हूँ एंड यहाँ पे दीदी को उड़ाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे दीदी नीचे चली जाती है। काफ़ी डैमेज दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे दीदी जो है नॉक हो चुकी है, ये भी सोनिया नहीं, ये सोनिया वाली बंदी थी, इस पर दिमित्री नहीं था। अब वहाँ से निकल रहा होता हूँ कि इतनी देर में एक और एनिमी आ जाता है यार। कितने बंदे आएंगे यहाँ पे। इस बंदे को मैंने एटलीस्ट हेडशॉट तो मारा, स्कार का हेड आया और सामने भी एक और एनिमी मेरे को दिख रहा है, इसको भी मैंने यहाँ पे बहुत ही आराम से हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। टोटल 7 किल हो जाते हैं मेरे यहीं पे। इस वाले गेम के अंदर भी जो है ना मैं पागलों की तरह M10 को ढूंढ रहा होता हूँ, मतलब सीरियसली पागलों की तरह। इतनी देर के अंदर यहाँ पे एक एनिमी मेरे ऊपर रश मार देता है गाड़ी लेके, इसी मैंने गाड़ी तोड़ दी और यहाँ पे ये बॉल डाल के पैक कर रहा है मैंने आपको भाई पैक कर लिया इस बंदे ने तो अपने आपको। नेट जाएगा के अंदर, नेट ट्राई करते हैं भाई। 10 नेट है मेरे पास, एक आधा नेट चला जाए अंदर तो बढ़िया रहेगा। ऑलराइट, एक नेट चला गया और इसने खोल लिया अपने आपको। स्कार से मैंने इजीली इसको डैमेज देके फिनिश कर दिया, 1 लेवल की स्कार से ही मार दिया इस भाई को। और वहाँ से गाइस मैं निकल जाता हूँ गाड़ी लेके, इतनी देर में एक एनिमी दिखता है उसको गाड़ी से उड़ा दिया और इजीली यहाँ पे मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ 7 तीनों को। यहाँ पे 9 किल होने के बाद जो ऊपर जाता हूँ इस वाली घर के अंदर, एक एनिमी जस्ट किसी और से फाइट ले रहा होता है तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर होल्ड करके जाऊँ, लेकिन होल्ड करने के चक्कर में मेडिकेट मारने लग गया था ये बंदा तो। इजीली यहाँ पे इसको मार के जो है मेरे टोटल 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं। जस्ट मुझे जो है ना एनिमीज यहाँ पे ग्रोजा एक्स मिल जाता है और नीचे एक एनिमी है, इसको हेडशॉट दिया मैंने और यहाँ पे इसको मैंने बहुत ही आराम से मार भी दिया। 2 ही बंदे बचे आखिरी के, जिनमें से एक जो है ना दूसरे को मार देता है और आखिरी एनिमी मेरे सामने है। गाड़ी लेके इसके ऊपर रश मारेंगे भाई। पूरी गेम के अंदर मुझे M10 नहीं मिला, क्या ही बोले।
और यहाँ पे ये भाई कंफ्यूज रहता है, एक ही किलर को मारने के बाद यहाँ पे मेरा ये वाला गेम प्ले बहुत इजीली बोया निकल जाता है। और यहाँ पे टोटल किला आप लोग मेरे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा स्कार के अंदर और बिजॉन के अंदर 100-100 का प्लस होता है। मोस्ट क्रिटिकल गेम्स में से एक ये गेम प्ले मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो 3 लेवल का स्कार और M10 है मेरे पास, एक एनिमी को मैंने किल कर रखा है। यहाँ पे मैंने नाकाम कोशिश करी इसकी स्किल खाने की लेकिन खा नहीं पाया। इस एनिमी को मैंने काफ़ी डैमेज दिया भाई, बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। पैक कर रहा है भाई, M3 वाला बंदा है ये तो, यार पैक ही कर दिया इसने तो मेरे को। कैसे ना कैसे करके वहाँ से निकल जाता हूँ मैं, और जस्ट आगे की साइड में जा ही रहता हूँ कि यहाँ पे दूसरा बंदा आ गया। यार मतलब कितने बंदे हैं यार यहाँ पे, आप लोग अभी देखना कितना घमासान वाला फाइट हो रहा है। ऑलरेडी इसने आते के साथ ही लैंडमाइन लगा दिया, ऊपर चला गया। ऊपर चलते हैं भाई, जाते ही पैक कर लिया इसने मैं आपको तो, डैमेज देने का नाकाम कोशिश। मैं उसके बाद जो है ना भाई उस वाले एरिया से ऊपर चढ़ जाता हूँ, एंड ये बंदा मुझे जस्ट एक गोली का छोड़ता है 50 HP का। फिर से बच गया मैं इस बारी भी, एंड नीचे जाके मैं फटाफट से मेडिकेट वगैरह मारता हूँ, एंड दोबारा से ऊपर चढ़ जाता हूँ इस वाले घर के अंदर ही। और ऊपर घर चढ़ने के बाद ना मैं सोचता हूँ कि भाई यहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं गाड़ी बुला लेता हूँ अपना, क्योंकि मैं जो है मीशा लेके खेल रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ भाई गाड़ी निकालू फटाफट से। होल्ड अप गाइस, आई नो कि मैं आपको गेम के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जो है ना नया स्ट्रैटेजी देखना है, मैंने जो एक नया स्ट्रैटेजी फाइंड आउट किया है, अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आप लोग इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक करवा दो, मैं जो है उसको जल्दी से जल्दी रिवील कर दूंगा, एंड आप लोग भी सोलो पुशिंग आपकी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इस बंदे का मैंने लैंडमाइन तो तोड़ दिया यार, मेरा गाड़ी भी आ गया सही है यहाँ पे मेरे, फटाफट से मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकलूँ। बहुत ही सारे बंदे होते हैं यहाँ पे, बहुत ही सारे जिसे कहते हैं ना, सारे बंदे यहीं पे आ गए थे, तो वहाँ से हम अपना ये मॉन्स्टर ट्रक लेके जो है ना मैं आ गया जाता हूँ। एक और एनिमी यहाँ पे भूकंप बना हुआ था, ये डैमेज दिया इसको। यार थोड़ा घूम के चलते हैं इस बंदे के पास, क्योंकि किल तो मेरे को निकालना पड़ेगा, काफ़ी डैमेज दिया इसको मैंने। M10 के एक हेडशॉट से मर जाता है अर्पित। ऊपर में एक और एनिमी आ गया भाई, वो भी ट्रोगोन लेके, मैं डर जाता हूँ उतनी देर में ना, सीरियसली मैं डर चुका हूँ। पीछे निकलता हूँ मैं, ये बंदे ने काफ़ी डैमेज दे दिया मेरे को, और यहाँ पे ये बंदा मेरे पे आ पाता नहीं, तो मैं रोटेशन लेके जो है ना गाइस उस वाली एरिया से निकल जाता हूँ। एंड यहाँ पे आखिरी के सिर्फ 5 ही बंदे बचे हैं। एक और गाड़ी मैं मंगा लेता हूँ अपना, मेरा वो वाला गाड़ी किसी और ने लूट लिया था। अब आखिरी के 4 बंदे बचे हैं, पीछे लेके जाएंगे गाड़ी। यार मेरा गाड़ी पे फंस गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप इस बंदे को मैंने इजीली डाउन कर दिया, कोई फिनिश ना कर दे भाई, फटाफट मारना पड़ेगा। सो एट द एंड मैंने इसको मार दिया भाई। बंदे का नाम पढ़ो यार, कैसे कैसे नाम है बंदों के। अब एक एनिमी मेरे ऊपर रश मार रहा था, इसको भी मैंने इजीली मार दिया, मतलब मारा नहीं, काफ़ी डैमेज दिया है। फिनिश करने चलते हैं यार, पैक नहीं किया इसने मैं आपको। ऑलरेडी यहाँ पे मेरे जो 5 किल कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आखिरी का ही एनिमी है जो कि ऊपर चढ़ा हुआ है। अब ये बंदे ने ना मेरी हालत ख़राब कर दी है गाइस, मतलब सीरियसली नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा यार। भाई नीचे आए तो मैं मारूँ, नीचे आ गया, नीचे आते ही मैंने इसको पूरी की पूरी M10 भर दी है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ इसका, स्कैलर फेंक दिया। ऑलराइट यहाँ पे बस एक आधी गोली का ये मर गया, हिट दी एंड भाई। LR सोहन, LR7 सोहन, एंड यहाँ पे मेरे 26 का प्लस लगता है 6 किल के साथ, और यहाँ पे जो है M10 के अंदर 80 का और स्कार के अंदर 72 का प्लस होता है, क्या ही तो बात है यार। तो का स्टिक भी लग गया। जस्ट अभी मैं ना यहाँ पे लैंड ही किया हूँ, एंड लैंड करते के साथ ही मेरे को जो है ना यहाँ पे Shin-Chan 444 मार देता है, मतलब जस्ट अभी तो आया था यार, इस बंदे ने मार दिया। और वहाँ से निकलने के बाद ना मैं फटाफट से अपना यहाँ पे सीक्रेट क्लू या फिर सीक्रेट चेस्ट लूट कर लेता हूँ, और वहाँ से गाइस मैं निकल जाता हूँ। एंड यहाँ पे एक एनिमी देखो भाई, आते ही मेरे को गाड़ी छुड़ा दिया इस बंदे ने, और पता नहीं कैसे मार दिया भाई। ये गेम कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला, क्या ही तो बोले। M10 के अंदर मेरा 2 का प्लस होता है और गेम में माइनस होता है 9 का। अब काफी जो है मैंने सोलो गेम्स खेल लिए, एंड होपफुली आपको सोलो गेम काफी बढ़िया लगे होंगे। चलो यार फटाफट से अब आप लोगों के साथ खेलते हैं, अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फटाफट से टीम कोड सेंड करते हैं, एंड जो है डुओ पुशिंग करते हैं। फर्स्ट टीम कोड तो मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया, लेट्स सी कौन आता है यार। यहाँ पे टीम कोड बहुत ही निराला था, यहाँ पे जो हमारे BR फ्लैश आ चुके हैं। फटाफट से जाओ आप लोगों की, अगर मेरे साथ खेलना है तो आप लोग व्हाट्सएप में जाके ज्वाइन कर लो। फटाफट से गेम के अंदर चलते हैं डुओ के फर्स्ट गेम प्ले के अंदर। अब जो है ना मैं जस्ट आर्सेनल के अंदर लूट ही कर रहा था, एंड सामने साइड में एनिमी होता है जो कि ड्रॉप चार्ज कर रहा है। यहाँ पे ये शायद से सिंगल बंदा है या डबल बंदा है, देखना पड़ेगा। इसको मैंने इजीली यहाँ पे डाउन कर दिया, नो भी था, एंड यहाँ पे जस्ट फिनिश भी कर दिया। अब वहाँ से जो ना गाइस हम लोग निकल जाते हैं, एंड आगे सामने साइड में और भी बंदे हैं। एक एनिमी डाउन किया मैंने यहाँ पे, और दूसरे एनिमी को जस्ट फिनिश करना, यहाँ पे किल चोरी करा मैंने, और बंदे ने मेरा किल चोरी कर लिया। मैंने उसको करा, उसने मेरा कर दिया, सही तो बात है। अब यहाँ पे मैं उसी बंदे को मारने आता हूँ। अब इस बंदे को मैंने इजीली डाउन कर दिया, सोनिया दिमित्री वाला बंदा है ये, गुरु बैक। यार ये दोबारा रिवाइव हो गया, गुरु बैक भाई, मर जा फटाफट से। यार यहाँ पे मेरी सारी की सारी M10 गोली भर दी मैंने, लेकिन मरा नहीं है। लॉल फटाफट से रीलोड कर दूँ, पैक कर लिया इसने अगेन अपने आपको, और एट दिन मैंने इस बंदे को फिर से फिनिश कर दिया। टोटल 4 किल हो जाते हैं, एंड एनिमीज ना हमारे ऊपर रश मार देते हैं गाइस। आप लोग यहाँ पे देखो कि जिस मैं आगे जाता हूँ, एनिमी ने रश मार दिया, दो दो बंदे हैं। एक बंदे को हेडशॉट मारा और डाउन हो गया बंदा, एक एनिमी भी डाउन कर दिया। दोनों के दोनों बंदे डैमेज है और दोनों के बंदे शायद डाउन है। तो यार ये बंदा पीछे रिवाइव हो रहा है क्या? लॉल भाई ऐसे कैसे रिवाइव हो जाएगा। यहाँ पे फटाफट से इसको रिवाइव देते हैं यार BR फ्लैश को, एंड यहाँ पे इस बंदे को भी मैंने इजीली यहाँ पे हेडशॉट देके मार दिया। टोटल 6 किल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे यहाँ पे। जस्ट अभी जो है ना मैं आगे की साइड में जा ही रहा हूँ, एंड यहाँ पे पता नहीं कहाँ से कैसे मुझे हेड मार देता है यार ये बंदा।
मतलब मार कैसे देता है हेड अचानक से। अब मैं बिल्कुल घबरा चुका था, मैं फ्लैश को बोलता हूँ पैक कर लो भाई, ये बंदा पैक ही नहीं करता है। एंड आप लोग देखो फ्लैश जो है अपनी सारी की सारी अंदर की आत्माएं दिखा रहा है, सारी मूवमेंट दिखा रहा है भाई। यहाँ पे एक एनिमी डाउन किया इसने मादरा, और मैं उसको फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ पैक कर ले भाई अपने आपको, लेकिन यहाँ पे जो है एट द एंड यहाँ पे फ्लैश मर जाता है। एंड यहाँ पे हमारा अच्छा खासा गेम, हम लोग क्या ही बोले 80 का प्लस होता है M10 के अंदर और गेम के अंदर 21 का। अब यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट गेम इधर हमारे आते हैं आरपी गेमिंग, एंड यहाँ पे एक एनिमी को मैंने काफी डैमेज दिया। ये बंदा जो है अपने टीममेट को रिवाइव देने जा रहा है शायद से भाई, फिर से एक गोली का छोड़ा उसको मैंने, और यहाँ पे इसको मैंने बहुत ही मुश्किल से फिनिश कर दिया। एक किल यहाँ पे था मेरा ऑलरेडी, इसको मारने के बाद दो किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब वहाँ से गाइस मैं निकल जाता हूँ, एंड आरपी को मैं दो बार रिवाइव दे चुका हूँ अब तक, और यहाँ पे एनिमी मेरे सामने डैमेज दिया। अरे बंदे मतलब वॉल डाल दिया इसने सीढ़ियों पे, मतलब खिड़की पे। एक और इसका टीममेट है, थोड़ा देख के रहना पड़ेगा, तीन लेवल का भी नहीं है मेरा M10 MP40 इस बंदे पे। और यहाँ पे आर्टिक ब्लू को मैंने नॉक कर दिया PN थॉर, और फटाफट से सुपर मेडिकेट वगैरह मार के मैं आगे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे ना वही बंदा जो है दोबारा से निकल रहा होता है, यहाँ पे मैं स्कालर फेंकता हूँ और इजिली मैं इसको मार देता हूँ, और इसके टीममेट को भी मैंने ही मार दिया था। टोटल चार किल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे आरपी गेमिंग मर जाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास आप लोग देख सकते हो M24 है, और एक एनिमी डाउन कर रखा है भाई। यहाँ पे वॉल टूटेगा, वॉल टूट जा भाई, यहाँ पे मैंने सारी वॉल तोड़ दी इसकी आखिरी बॉल, और इजली यहाँ पे 101 का हेड मार के इजली फिनिश कर दिए दोनों के दोनों एनिमी। 6 किल हो जाते हैं मेरे यहाँ पे, आखिरी की दो ही टीमें बची, मतलब एक टीम और एक एनिमी। ऑलरेडी एक बंदा भी डाउन कर दिया टीम का, यार ये वाला बॉल नहीं टूट रहा, नायरी है उसके पास, दोनों बंदों के पास नायरी है, तो थोड़ा पीछे निकलेंगे। पीछे में आखिरी बंदा होता है मेरे सामने, मतलब आखिरी नहीं मतलब एक अकेला बंदा, जो कि यहाँ पे इस बंदे को मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे 7 किल हो जाते हैं, आखिरी का टीम बचा है मेरे सामने। अब यार वहाँ से जो ना मैं दुमदुबा के भाग जाता हूँ, लेकिन ये बंदे जो ना मेरा वेस्ट तोड़ देते हैं। आखिरी का टीम है ना, मतलब ये दोनों बंदे मिल मिल के रश मार रहे हैं, दो लेवल का वेस्ट मिला वो भी आधा फटा, फटाफट मेडिकेट मारता हूँ। बंदे ने रश मार दिया, इजीली इसको मैंने डाउन कर दिया। पीछे से इसको एक और टीममेट आ चुका है भाई, आते ही मित्री लगा दिया स्नोबड़े ने, क्या ही तो बात है यार। ऑलरेडी वो किल तो आया मेरे को एटलीस्ट, क्या इसको मैं मार पाऊंगा। M24 से डैमेज दिया भाई, बॉल इतना पीछे आगे कैसे चला गया मेरा यार, लॉल मूवमेंट हो गया इस वाली गेम के अंदर। यहाँ पे M10 के अंदर 80 का और गेम के अंदर 26 का प्लस होता है। यहाँ पे जो है ना इस वाली गेम के अंदर 3 लेवल का स्कार और M10 है मेरे पास, और जोबन भाई आए हैं अपने। ऑलराइट मैं इस वाले घर के अंदर रश, भाई लैंडमाइन यार ये क्या क्या सीन है भाई, हर जगह बंदे इस वाली गेम में। तो दो खिले सामने एनिमीज है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बंदे हैं, और मैं यहाँ पे एट द एंड नॉक हो जाता हूँ। मतलब सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं यार, वरना मैं आता ही नहीं यार। क्या ही जोबन क्या मार पाएगा, मैं इसको बोल रहा था पैक कर ले, लेकिन कैसे पैक कर पाएगा, बिल्कुल बौखला जाता है जोबन। एंड यहाँ पे हम लोग मर जाते हैं, और यहाँ पे M10 इधर 62 का और गेम इधर 8 का प्लस होता है। अब ये जो है ना हमारा लास्ट गेम प्ले होने वाला है डुओ का भी, एंड इस एपिसोड का भी कहना है इस वाली गेम के अंदर। एंड यहाँ पे एक एनिमी है जो कि लड़ रहा होता है, इसको मैं इजिली पूरे के पूरे रेड नंबर देकर नॉक कर देता हूँ, फटाफट से उसको फिनिश भी कर देता हूँ भाई। UMP बहुत तगड़ी चल रही है, और वहाँ से निकल के ना गाइस मैं यहाँ पे इसको ओपन करने आ जाता हूँ गाइस जोन के अंदर, क्योंकि मेरे को M10 लेना होता है। इसका गाड़ी तोड़ दिया मैंने, एंड बंदे को भी मैंने इजिली यहाँ पे फिनिश कर दिया, मतलब नॉक कर दिया रोलेक्स मोड। एंड पूरा का पूरा यहाँ पे लूट करने के बाद आर्सेनल में मेरे को कोई भी M10 नहीं मिलता है, बहुत दुख होता है क्या ही बोले। एंड यहाँ पे जो है ना गाइस जोन काफ़ी छोटा हो चुका है, सामने एनिमीज हैं, यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। एक नेड अंदर गया नहीं लॉल, यहाँ पे मेरे पास UMP ही है, और यार UMP काफ़ी तगड़ा चल रहा है, लेकिन रेड नंबर पड़े तब, वरना नहीं चलता। ऑलराइट यहाँ पे इस बंदे का वॉल तोड़ते हैं, ग्लू मेंटर तो फेंक दिए यार। ये क्या सीन हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है यार, मतलब क्या ही बोलूं। मैंने उनको पैक किया था, लेकिन कैसे करके मैं अंदर से जाता हूं। एंड यहां पे अंदर फंस चुका है काना भी, भाई मेरी ट्रेन छूट, काना बाहर आया, एनिमी बाहर आया भाई, बंदा कितना डैमेज देगा यार। फटाफट से पैक करके हील कर लूं पहले भाई, स्कालर फेंक दे, क्या ही बोलूं, डैमेज दिया, मर जा भाई। और एट दी एंड यहाँ पे इसको मैंने नॉक कर दिया, और कहना जो है ना उस बंदे को मार देता है, और हमारे यहाँ पे टोटल 4 किल हो जाते हैं। बहुत ही खतरनाक फाइट था। अब यहाँ पे जो है ना एनिमीज हमारे ऊपर रश मार देते हैं गाड़ी लेके, एक इसका टीममेट मैंने डाउन किया, और ये जो है काना को उड़ा देता है गाड़ी वाला, इसकी गाड़ी तोड़ दिया। MP40 मुझे यहाँ पे मिल जाता है, इसको डाउन कर देंगे फटाफट से, काफ़ी डैमेज तो दिया यार। और एट दी एंड मैं इस बंदे को काफ़ी डैमेज देके जो सर टीम वाइप आउट कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना हम दोनों के दोनों जोन के अंदर फंस चुके हैं, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एनिमी है ना भाई, उस बंदे ने तंग कर रखा है, M60 है उसके पास भी, लैंडमाइन कहाँ से आ रही है हाथ में। वो बंदा ना हमारा वॉल पे वॉल तोड़े जा रहा है यार, कैसे ना कैसे करके आगे तो आ गया मैं। यहाँ पे जो है ना कहना है, देखो आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी चलाकी करते हैं, और यहाँ पे जोन में तो निकल जाता है पोर्टल से, लेकिन इसको जाते ही एनिमीज मार देते हैं, नॉक कर देते हैं। ऑलराइट यार ये बंदा M60 यूज़ कर रहा है, वैसे वॉल डालने का फायदा नहीं। नायरी नहीं यार यहाँ पे मेरे पास, नायरी क्यों नहीं है यार, नायरी लाना चाहिए था मुझे मीशा की जगह ना। और यहाँ पे मैं मर जाता हूँ, खत्म, टाटा बाय बाय। यहाँ पे M10 तो मुझे मिलता नहीं, गेम में 22 का प्लस होता है। पता नहीं गाइस आज जो है बहुत ही लिमिटेड मेरे को M10 मिला, मतलब बहुत ही लिमिटेड, मेरा एक गेम छोड़ के एक गेम में M10 मिल रहा था, अदरवाइज मिल ही नहीं रहा था।
क्या ही तो बोले। अब होपफुली आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एंड के अंदर जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग एंड तक जो भाई वॉच कर रहे होंगे उन्हीं को बोल रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, एंड तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब गाइस मैंने जो है ना कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ कस्टम करा था, अगर आप लोगों का वो वर्सेस देखना है तो आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो एंड जाके चेकआउट करो कि आप लोगों ने कैसे गेम खेला है। तो मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।